हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वीट हेयर रिमूवल क्रीम का। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस वीट हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ किस प्रकार से करना चाहिए और क्या इस क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं इस क्रीम से आपको अपने प्राइवेट पार्ट का हेयर रिमूव करके भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ इसकी ट्यूब मिल जाती है, उसके बाद हमें यहाँ इसके साथ एक स्टेचुला भी मिल जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने इसको ओपन कर लिया और अब हम इसके प्राइस और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इस क्रीम से अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, इस क्रीम की प्राइस और क्वांटिटी की बात करता हूँ। हमारे पास 30 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस 80 रुपये है, और ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल शॉप से इजीली मिल जाएगा। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस क्रीम को यूज़ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले इस क्रीम के कैप को ओपन कर लीजिए, उसके बाद इस पर एक सील लगी होती है, देख लीजिए। इस सील को जो है आसानी से निकाल लीजिए, उसके बाद जो है आप स्टेचुला पर इसे अपने आवश्यकता अनुसार जो है ले लीजिए। इस प्रकार से देख लीजिए, मैं आपको जो है दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस क्रीम को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसे आप जो है आसानी से यूज कर सकते हैं। आइए, मैं आप लोगों को जो है आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से यूज करना है इस क्रीम को। देख लीजिए गाइस, हमारे इस पार्ट पर जो है हेयर आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को इसे जो है रिमूव करके दिखाऊँगा अभी। सबसे पहले आपको स्टेचुला की मदद से इस हेयर पर जो है धीरे धीरे इस प्रकार से जो है इस क्रीम को लगाना है, पूरी तरीके से लगाना, अच्छी तरीके से दोस्तों, कहीं छूटे ना, ताकि देख लीजिए इस प्रकार से जो है आपको हल्के हाथों से जो है इसे लगाना है। उसके बाद जो है इसे 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें। तो दोस्तों, 5 मिनट बाद मैं फिर से इस वीडियो पर आ गया हूँ। आपको जो है स्टेचुला की मदद से इस प्रकार से जो है धीरे धीरे निकालना है अपने हेयर को। देख लीजिए, ये क्रीम के साथ जो है आसानी से निकल जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको रिमूव करना है, देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है आपको रिमूव करना है, और अन्य किसी चीज़ से आपको जो है रिमूव नहीं करना है दोस्तों। ये स्टेचुला की मदद से आपको जो है रिमूव करना है धीरे धीरे। देख लीजिए, इस प्रकार से जो है पूरा हेयर आसानी के साथ जो है रिमूव हो जाता है दोस्तों। याद रहे दोस्तों, इसे आपको जो है स्टेचुला की मदद से ही निकालना है, उसके बाद जो है आपको नॉर्मल वाटर से इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है दोस्तों। जब अच्छी तरीके से साफ हो जाए तो उसे कपड़े से पोंछ दे, आपका स्किन जो है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।